शिक्षा अधिकारी का कमरा सोचते ही जहन में जो तस्वीर बनती है उसमें चमचमाता साफ सुथरा कमरा, तेज रोशनी, सुंदर टेबल, नेम प्लेट और करीने से रखी फाइलें। पर अब देखिए ये कमरा, एक छोटे से कमरे में छत से जगह जगह गिरता पानी, दीवारों पर लगे बिजली स्विच के ऊपर से बहती पानी की धार, बाल्टी लगाकर पानी को बहने से रोकने का प्रयास, अतिथियों की कुर्सियों पर कभी तेज कभी धीरे गिरता पानी का झरना, सिलन भरे कमरे में टूटती सीलिंग वाला यह ऑफिस किसी छोटे मोटे कर्मचारी का नहीं बल्कि महासमुंद जिले के जिलाधिकारी का, जिला शिक्षा अधिकारी का है, जहां बैठकर जिले के कुल 1955 प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रबंधन और 2,23,000 छात्रों के भविष्य का निर्धारण इसी कमरे से होता है। ढेरों शासकीय कंप्यूटर और फाइलों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। इसके बाद भी अब तक इस कमरे की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। बहुत सारे दस्तावेज खराब हो गए हैं पानी के कारण। पिछले साल खराब हुआ होगा, जब मैं आई हूँ तो देखे हूँ कई जगहों पर अलमारी में रखे थे, अंदर पुस्तकें हैं वो भी खराब हो गई थी। सबको निकलवा के मैं सबको धूप में सुखवाई थी और सबको तो दूसरा भी बनवाई हूँ, और जो बनाने लायक दूसरा नहीं होता, जिसका नियम ही नहीं होता बनाने का, वो वही है।